खबर है बस्ती से, जहां उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा जनपद में 3 दिवसीय कार्यक्रम सौंघाट ब्लॉक के गौशाला का निरीक्षण किया, साहूघाट ब्लॉक के कोसाम्बी ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया और चौपाल लगाया, गरीबों को आवास वितरण किया गया, स्वच्छता मिशन की जानकारी दी गई, शौचालय और हैंडपंप की जानकारी ली गई। प्रमुख सचिव के साथ जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, अपर जिलाधिकारी राम नरेश तिवारी, सागर के वीडियो, बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी सहित तमाम ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस क्रम में मुंडेरवा के चीनी मिल का निरीक्षण भी किया गया और साथ में घोषणा की गई, मुंडेरवा की चीनी मिल 15 से 20 नवंबर के बीच में प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पेराई सत्र शुरू किया जाएगा तथा यहाँ के किसानों को गन्ने का भुगतान तत्काल दिलाया जाएगा। इस मिल की क्षमता सबसे अधिक है, पेराई के सत्र में सबसे ज्यादा गन्ना पेरने वाली मशीन लगाई गई है जिसकी क्षमता बहुत अधिक है। बस्ती से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। टरबाइन था वो नहीं लग पाया था, वो बाहर से आ रहा था। मिल का पिछले 50,000 क्विंटल का चेन क्रशिंग होकर ट्रायल हो गया। इस साल फुल फ्लेज मिल चलेगी अपने 5,000 TCD पे और पर डे की क्रशिंग पे, और बिजली का भी उत्पादन होगा, सीरे का भी उत्पादन होगा। सीरे को पिपराइज की डिस्टिलरी हमारी बनेगी, उसको ले जा करके इसका एथेनॉल वगैरह बनाने का काम होगा, जिससे मिल को ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित हो, जिससे गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करने में सहजता और सुविधा हो। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 17 से 20 मुंडेरवा, 15 से 17 प्राइस। सर, 3 दिन का आपका बस्ती का दौरा था, तो किस तरीके से फीडबैक मिला, योजनाओं का और क्या कार्रवाई है? देखिए, वैसे तो सामान्यतः काफ़ी पारदर्शिता आने से लाभार्थियों को, हर लाभार्थी में अभी भी एक गाँव हो आया हूँ वहाँ पर।